हेलो, लाइव हो चुके हैं हम लोग। देखिए, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे AIM सब्जेक्ट में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रेगुलरली। आइए तो आप लाइव आ जाइए, जो लोग नहीं लाइव आए हैं। देखते हैं कौन कौन आ रहा है लाइव में। देखिए, आज हम लोग AIM सब्जेक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके, जो आपके रेगुलर एग्जाम में आते रहते हैं। और आपका शायद कल एग्जाम भी है तो AIM सब्जेक्ट का, और क्या क्या क्वेश्चन लगभग आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इनसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें AIM सब्जेक्ट में, आइए कमेंट करिए, लाइव आइए। कौन कौन आया है अपना नाम मेंशन करो, ठीक है। लाइव है क्लास ये, देखो आवाज सही आ रही है, एक बार यस करो। देखिए, AIM की अगर हम बात करें तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो इरर के बारे में आपसे पूछता है कि इरर से आप क्या समझते हैं। देखो, रवि कुमार आ गए हैं, गुड इवनिंग, आइए और लोगों को जोड़िए। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कल आपका एग्जाम भी शायद इसका भी है, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और सेशनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोग देखो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या कुछ आपको पढ़ना है AIM सब्जेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन वन में तो हमने बहुत सारा रिविजन आपको कराया है। अगर उसको आप कवर कर लेंगे तो आपको कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभिषेक आ गए हैं, रवि कुमार। देखिए, आप ये जो क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा देखेंगे इम्पोर्टेंट, इरर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि त्रुटि। त्रुटि क्या होता है, त्रुटि से आप क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है। इसको आप मेंशन जरूर करें, नोट्स में मेंशन कर लो, और ये आपके सेशनल एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इरर क्या होता है, इरर के टाइप्स ऑफ इरर, एरर के टाइप्स क्या हैं, तो आप टाइप्स के ये देख लेना एक बार, ठीक है। इसको पढ़ना हमने आपको डिटेल में कराया है, और आपको ये पढ़ना होगा कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इंडिकेटिंग टाइप्स का मतलब क्या है, जो संकेतक वाले होते हैं, जो संकेत करते हैं, जो इसमें पॉइंटर होता है, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट वही इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आपका पॉइंटर वगैरह रहता है, जिसको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कमेंट करो कौन चार लोग आ गए हैं। तो देखिए, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ही जो हमारे होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे अब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग कुछ टॉर भी पढ़ते हैं, जैसे पॉइंटर टाइप टॉर्क की बात करेंगे तो जैसे डैम्पिंग टॉर्क हो गया, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है। और कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ लेना, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ लेना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है।
देखिए एक बार हम आपको बता देते हैं इसके बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है और डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है। देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे पहले बात आती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो टॉर्क होता है जिससे हमारा जो पॉइंटर होता है, मान लो मीटर है, मीटर का ये पॉइंटर है ठीक है, इसके लिए तो इसमें इस तरीके से रीडिंग दी जाती है। और तो इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो टॉर्क लगता है या जो मॉनिटर को घुमाने के लिए जो टॉर्क लगता है उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोला जाता है ठीक है, ये याद रखना। तो आपको हमने नोट्स में कराया है, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जस्ट अपोजिट होते हैं ठीक है। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर इधर लग रहा है पॉइंटर के, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसके जस्ट अपोजिट साइड लगेगा ठीक है। और जिस पॉइंट पे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा उस केस में पॉइंटर हमारा रुक जाएगा या स्टॉप हो जाएगा और उस केस में हमारी रीडिंग मिल जाती है। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और अगर हम बात करें इसमें इम्पोर्टेंट की, ये सब आप नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़ना है इसमें PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में, PMMC इंस्ट्रूमेंट इसकी संरचना भी देखना है, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल इसको अच्छे से कवर कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ठीक है, और इसके साथ में इसकी संरचना भी, वर्किंग प्रिंसिपल भी। चौथा क्वेश्चन आपको MI टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मूविंग आयरन जिसको हम लोग बोलते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ठीक है, क्या होता है इसकी संरचना देख लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेना इसके बारे में ठीक है। और पांचवा है आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर को आप अच्छे से देख लेना। ट्रांसड्यूसर एक्चुअली में क्या है, देखो तो ट्रांसड्यूसर की अगर हम बात करें तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस है या ऐसा युक्ति हम कह सकते हैं जिससे क्या होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में या फिजिकल को फिजिकल एनर्जी में या फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऐसी डिवाइस को ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। जैसे आपके हेडफोन्स हो गया ठीक है, माइक हो गया, ये सब ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप देख लेना, ट्रांसड्यूसर पढ़ लेना। छठा क्वेश्चन आप देख लेना LCR मीटर, LCR मीटर हमने आपको बताया है ठीक है, LCR मीटर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर देखोगे तो L का मतलब होता है इंडक्टेंस, C का मतलब होता है कैपेसिटेंस और R का मतलब क्या है रेजिस्टेंस। तो ये हमने आपको सिलेबस में कराया है, एक LCR मीटर के बारे में पढ़ लेना इसको। चौथा ये सिक्स हो गया, सेवेंथ क्वेश्चन आप पढ़ लेना तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको पढ़ना जरूर है ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए और सेशनल एग्जाम के लिए भी। कोई है ही नहीं, चलो फिर रवि कुमार के बुलाए हैं। और अगर हम बात करते हैं एनर्जी मीटर के बारे में, एक नया एक क्वेश्चन है ये पढ़ लेना, एनर्जी मीटर क्या होता है ठीक है। एनर्जी मीटर में आपको जो एनर्जी मीटर पूछ सकता है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ही होता है, तो आपको एनर्जी मीटर के बारे में पूछ सकता है, सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर के बारे में पूछेगा ठीक है। तो ये है आपका सेवेंथ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की अगर बात करें, एनर्जी मीटर हो गया, वाट मीटर के बारे में पूछेगा, वाट मीटर, वाट मीटर के बारे में पढ़ना कि वाट मीटर कितने टाइप के होते हैं ठीक है, सिंगल फेज थ्री फेज बैलेंस अनबैलेंस इन सबको आप देख लेना एक बार, ये वाट मीटर के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है CRO, CRO क्या होता है, तो CRO पढ़ना, CRO में एक जो मेन पार्ट आपका आता है CRT, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब,
उस एरो का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप स्कोप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सेशनल में भी पढ़ के जाएंगे, सेशनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेमेस्टर के लिए भी है। जो आपका मॉक पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाट मीटर के बारे में देख लेना। ठीक है, चलो फिर हम तुम लोग देखते हैं, फिर अगली क्लास में बताएंगे आपको क्या क्या है इम्पोर्टेंट, जिसकी रिविजन क्लास करा देंगे अगर आपको रिक्वायरमेंट हुई तो। ठीक है, तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको देख लेना एक बार। हम चैप्टर वाइज आपको कोशिश करेंगे इसकी बनाकर आपको दे दिया जाए, जिससे आप यही क्वेश्चन जो है रट लो। बहुत सारे क्वेश्चन अभी छूट गए हैं, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। आप लोग लाइव आते नहीं हो।